स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? चलो मजे में हैं, बहुत अच्छा। देखिए, आज हम आपको प्रोग्राम देने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलेंगे क्रैश कोर्स। क्या प्रयास करेंगे कि हम एक महीना में टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा हम कवर करवा देंगे, ठीक है? थोड़ा फास्ट चलेंगे। सेल्फ स्टडी आपका अपना महत्व हो गया, यानी पहले से आप पढ़ते रहेंगे फिर ये देखेंगे वीडियो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, जूम हमारा जो क्लास चलता है लाइव क्लास जूम पर, उसमें हम सिर्फ करवाएंगे रिवीजन, यानी तमाम पिछले चैप्टर के डीपीपी देते रहेंगे और उसका डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो जूम क्लास हम लोग का वो होगा सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए, बाकी चैप्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर, ठीक है? तो आज आपको हम देंगे पूरा प्रोग्राम देंगे। दूसरा, आईयूपीएससी का आपको बताएंगे फार्मूला भी, आज हम चालू करेंगे आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी में याद रखिएगा, ये होता है प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के बल पर ही हम लोग आईयूपीएससी लिखते हैं। अच्छा देखो, छोटे मोटी गलतियाँ बड़े बड़े लोग भी करते रहते हैं, कैसे वो आपको इसमें एग्जाम्पल दिख जाएगा आपको कैसे। जैसे सपोज करो, ये हमने यहाँ पर ये ले लिया हमने ये कार्बन, ठीक है? ध्यान देखना भाई, ये चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो पहले देखेंगे कोई यहाँ पर FG है, कोई फंक्शनल ग्रुप है। अभी बताऊंगा आपको, मैं इसी लेक्चर बताऊंगा आगे किसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, किसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो अब जैसे यहाँ पर देखो, ये कार्बन है टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये टर्मिनल, बाकी सभी नॉन टर्मिनल हैं। तो नंबरिंग हमेशा हर हाल में करेंगे टर्मिनल कार्बन से। अब एक जैसे सपोज करो ये यहाँ पर लिया हुआ ये, तो अगर नंबर यहाँ से करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये 1 alkyl यानी कि 1 methyl, और ये है ब्लंडर। 1 alkyl का मतलब है कि नंबरिंग आप बगल से करें, यानी वास्तव में ये नंबरिंग गलत है। क्या होगा यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6। अरे भाई, ये भी स्ट्रेट चेन ही है। स्ट्रेट चेन का मतलब नहीं कि जो सीधा दिखे खाली, इसका मतलब जो लगातार अटैच्ड है। तो नंबर यहाँ कहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन है ये। लेकिन सपोज करो कहीं डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो यही लेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन सपोज करो यहाँ पर कहीं आ गया FG, तो नंबरिंग अब फिर से OH है FG, लेकिन नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, फिर वही गलती हो जाएगा 1 alkyl। क्यों? क्योंकि 1 methyl आ जाएगा, ये गलती हो जाएगी। तो नंबर यहाँ से करेंगे ये 1 और 2 और 3। हाँ, अगर सपोज करो इसके जगह पर कोई ये आ जाए कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ये, तो अब ये नंबरिंग ये 1 हो जाएगा, फिर नंबरिंग यही चल हो जाएगा। समझते हैं? ये है कालिया, ये अमिताभ बच्चन है, ये है फंडल ग्रुप। इसके बारे में और समझाऊंगा आपको, मैं अमिताभ बच्चन की कहानी में समझाऊंगा आपको इसी लेक्चर में, ठीक है? तो ये कालिया कंसेप्ट है, कालिया जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ से नंबरिंग चालू हो जाएगी, इसी बोलते हैं काले कंसेप्ट। जैसे ये CHO यहाँ ना हट करके, सपोज करो हमने ये यहाँ लगा दिया CHO, तो नंबर यहाँ चल हो जाएगा, जहाँ कालिया खड़ा हो जाएगा वही से नंबरिंग चल हो जाएगा। तो अब ये 1 और ये 2, जैसे अब यहाँ पर देखो ये 3 4 5 और यहाँ पर 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन, तो 2 3 4 5। सुनो, ये 1 2 3 4 5 6 होता, लेकिन डबल बानिया नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी 1 दैट कंटेन मेन फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मैक्सिमम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं होता सपोज करो, तो फिर यही होती चेन, तो यही होता है मेन, तो फिर ये 1 2 3 4 3 4, समझ गए? क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड है तो फिर ये भले ही छोटा हो जाए चेन। ये सब फंडामेंटल ही आप देखे हुए हैं, हम लोग IUPAC के एक एग्जाम्पल डेली करते रहेंगे। तो अब आप जब देख लीजिए प्रोग्राम कि कैसे हम आपको बता रहे हैं कि पूरी कहानी, टोटल हम चाहते हैं कि 30 अगस्त तक केमिस्ट्री की पूरी कोर्स हम दौड़ा खत्म करेंगे, लेकिन तभी पॉसिबल होगा, याद रखिएगा, जबकि आप अपने से पढ़ेंगे। तो 30 अगस्त तक, आज 10 जून है, 30 अगस्त तक हम पूरा केमिस्ट्री और एक महीने के अंदर में, यानी 25 दिन के अंदर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे आज 10 जून है, तो मान लो 5 जुलाई तक हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। अब प्रोग्राम वगैरह देखिए, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं, आप प्रोग्राम उसका देखिए ध्यान से। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक पूरा कोर्स अब हम कवर कर रहे हैं, पूरा कोर्स, ठीक है? यानी ये आज का जो चला लेक्चर, तो ये मान चलिए कि 11th और 12th दोनों के लिए चल रहा है, राइट? तो उसमें क्या करेंगे, इसमें फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, जैसे कि जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अल्केन, जो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, अल्कीन, और फिर ये है अल्काइन, और इसके बाद में फिर देखेंगे एल्किल हैलाइड यानी RX, एरोमेटिक बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख रहे हैं एलिफैटिक
लगता है कोई है क्या। हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा बीच में कुछ लोग आ गए थे। देखिए, तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि बना रहे रेगुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर फिजिकल ख़त्म करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक यानी कि क्लास 11 12 का कम्बाइंड सिलेबस। तो पहले देख लें कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्किल हैलाइड्स, और फिर देखेंगे एल्कोहल, और फिर देखेंगे ईथर, एल्कोहल, ईथर, एरोमेटिक बाद देखेंगे सब। ईथर हो गया, और फिर देखेंगे ये आर सी ओ एच आब्लिक आर एल्डिहाइड कीटोन, और फिर देखेंगे आर सी ओ एच एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, एसिड और उनके डेरिवेटिव्स और एमीन्स, ठीक है। तो इसमें देखें कितना दिन लगेगा पहले, राइट। जैसे अल्केन में मान के चलिए, क्योंकि देखिए फास्ट वाइज करेंगे, आप एनसीईआरटी से साथ में पढ़ते रहेंगे, आपको हम कवर करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप वहाँ चलते रहेंगे। तो चलो अल्केन में शुरुआती दौर इसको ले लेंगे 2 डेज, ठीक है, इसको ले लेते हैं 2 डेज। अल्कीन में भी ले लेते हैं 2 डेज, अल्काइन में ले लेते हैं 1 डे, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड में ले लेते हैं 3 डेज। क्यों? असल में एल्किल हैलाइड में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ये जो SN1, SN2, E1, E2, E1CB ये सब भी आप बताएंगे इसमें, ठीक है, एल्किलाइड से। तो ये हो जाएगा फिर इसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी। तो ये थ्री, इसमें ले चलेंगे 3 डेज, यानी फिर इसकी प्रिपरेशन, फिर इसकी प्रॉपर्टी, ये सब बात इसमें करेंगे। एल्कोहल में आप ले लीजिए मुश्किल से, एल्कोहल में यू टेक जस्ट 1 डे, 1 डे सफिशियंट, ठीक है। ईथर में भी आप 1 डे ले लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप इसमें 3 डेज ले लीजिए। एसिड में भी आप जस्ट 1 डे ले लीजिए, एसिड डेरिवेटिव्स में भी आप 1 डे ले लीजिए। एमीन्स थोड़ा बड़ा टॉपिक, इसमें इसको आप 2 डेज इसको आप ले लीजिए। तो पूरा देखिए कितना दिन हो रहा है, काउंट कीजिए, ये कितना हो गया, 5 और 5 10 और ये 5 15 to 17, ये 17 डेज ये आ रहा है 17 डेज। याद रखेंगे स्टीरो केमिस्ट्री भी हम टच नहीं कर रहे हैं। तो चलो 70 डेज है, तो बीच में मान लो संडे को नहीं कार्य करेंगे, तो टोटल मान लेते हैं 20 डेज। मतलब क्या हो गया, यानी एक बात तय हो गया कि हम लोग आज से 10th जून है, 10th जून से लेकर के 30th जून तक हम लोग ये 20 दिन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी अधिक रहेगा, वो बेस रहेगा, और मेन मेन रिएक्शंस और आईआईटी पीएमटी तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये उसके जो जो टॉपिक मेन होंगे वो सब फास्ट कवर करेंगे, ठीक है। ये हो गया 20 डेज में इसको कवर कर देंगे। इसके बाद में फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ जाएंगे, इसके बाद में फिर स्टीरियो केमिस्ट्री फीस पढ़ाएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री के मान चलो कि कम से कम सब इसको आप लेके चलो कि क्वेश्चन के साथ चलेंगे, तो इसको आप चलो इसको आप 4 डेज मान लो, है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, 4 डेज मान चलो, 4 डेज मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 24 डेज की कहानी है, ठीक है ये। तो चलो हम ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, 5 जुलाई तक आ चुके हैं, राइट। इसके बाद सपोज करो अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए ये 11th में कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं 12th में। 12th के टॉपिक्स कवर करेंगे पहले, 12th के टॉपिक्स यानी 11th वालों से भी मेरा सजेशन है कि वो उनको भी हम 12th का टॉपिक कवर करेंगे पहले, ठीक है। तो जिससे खास करके या यूँ कह सकते हैं कि कहीं घबराहट न हो 11th वालों को, तो चलो पहले उन्हें कवर करेंगे, राइट। तो चलो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेंगे गैस स्टेट, जो कि हम लोग अभी चला रहे हैं। गैसियस स्टेट पर अभी हमने कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड किया है गैस स्टेट, लेकिन अब इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे, राइट। तो गैस स्टेट हो गया क्लास 11th सिलेबस, गैस स्टेट है, और फिर इसके बाद में ले लेंगे थर्मोडायनेमिक्स है और थर्मोकेमिस्ट्री है, इसको अलग करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है,
और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, और फिर ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, देखते रहे ध्यान से, आयनिक इक्विलिब्रियम है, और फिर इसके बाद में ये इसके बाद में फिर देखेंगे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और फिर मोल कंसेप्ट है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट में ही रिडॉक्स बैलेंसिंग लगा हुआ है, रिडॉक्स बैलेंसिंग, इस पर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। क्या करेंगे, जो पुराने वीडियोज हैं उनको हम डाउनलोड करेंगे यूट्यूब से अपने ही, और उसमें कुछ क्वेश्चन करके उसको मर करके फिर दे देंगे ताकि आपको डेली चलता रहे। तो पहले देखें इसमें कितना डेज लगेगा, तो गैसेस स्टेट मान के चलिए कि इसमें कम से कम 4 डेज मान के चलो, थर्मोडायनेमिक्स में कम से कम मान के चलो 5 डेज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थर्मोकेमिस्ट्री में मान के चलो 2 डेज, राइट, केमिकल इक्विलिब्रियम में मान के चलो 3 डेज, आयनिक में कम से कम मान के चलो 4 डेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर कम से कम मान के चलो 4 डेज, इसमें हमने काफ़ी वर्किंग करवाया हुआ है, बहुत सारे वीडियो बनवाए हुए हैं, फिर भी मोल कंसेप्ट मान के चलो कम से कम 3 डेज, जिसमें सब कवर टॉपिक करेंगे, रिडॉक्स बैलेंसिंग भी मान के चलो 2 डेज, यानी कि ये 5 डेज मान के चलो, ठीक है। तो अब जरा इसको हम काउंट कर लें कितना होता है, तो ये हो गया 5 4 9 9 5 14 14 और 8 22 और 22 5 27, ये 27 डेज, ये देखा, इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब एक महीना मान लें मोटा मोटी, तो एक 1 मंथ कंप्लीट, तो चलो ये 24 डेज और ये 30, यानी चलो टोटल मान चलो ये 60 डेज, यानी 2 महीना हो गया, ठीक है, मतलब समझ लो कि 10 जून से लेके सॉरी ये यहाँ तक 4 डेज ये स्टूडेंट केमिस्ट्री, लेकिन हम लोग आ गए थे 5th, आ गए थे जुलाई, तो 5th जुलाई से लेकर के ये 1 महीना, तो चलो मान लो ये 5th अगस्त तक, ठीक है, 5th अगस्त तक ये कवर कर देंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बचा उसमें केमिकल बॉन्डिंग खास करके, और जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है उसमें केमिकल बॉन्डिंग मेन देखिए, जिसमें कि क्वार्टर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, क्वार्टर कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग यानी वेलसी सेल, तो ये 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, तो फिर मान जो 30 अगस्त तक यानी 25 और दिन ले लें, तो टोटल सपोज करो इसका मतलब हो गया ये कि 10th जून से लेकर के 30th अगस्त तक, ये सपोज करो कि हम पूरा हम ये कवर करेंगे टोटल, समझ गए, यानी करीब पूरा मान के चलो, अगर हम चलो 10th सितंबर में ले लें अगर, तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी 3 महीने में, 3 महीने में पूरा केमिस्ट्री हम कवर करेंगे, ठीक है। और जूम क्लास में पर डे जो क्लास चलता है लाइव क्लास, जूम क्लास, उसमें हम क्या करेंगे कि टॉपिक ये पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, और जूम क्लास का रिवीजन, यानी जितना कवर चलता रहेगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम देते रहेंगे, एक दिन पहले एडवांस में और अगले दिन जूम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब बात रहा, उसके बारे में टाइम टेबल एक बार आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से डाउन साइड भी सबको पूरी तरह से ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसको जरा सा मिटाइए इसको जरा भाई। हाँ देखिए, अब हम लोग कुछ आज शुरुआत कर देंगे, IUPAC ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन डेली शुरू में दे दिया करेंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो आज 10 मिनट और देख लीजिए IUPAC पर, राइट। तो इसमें देखिए ये है कि IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग में एक फार्मूला है, प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप, ये फार्मूला है, इसमें ये रूट वर्ड है, सॉरी नंबर नेचर और प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर नेचर ये हाइड्रोकार्बन से मतलब है, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन चेन उससे मतलब है, और उसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, कैसे कर पाएंगे रिप्लेस, तो कुछ होंगे रिप्लेस करने पर कुछ होंगे जिनको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, और जो और एच के अलावा होंगे उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं पहले ये देख लीजिए, जैसे H को हटा करके आपने लगा दिया C डबल बॉन्ड OOH,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से यहाँ आपने लगा दिया COCO, ये एनहाइड्राइड है। इसी में इसको लगा देंगे COOR, आर तो एल्किल ग्रुप से मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो ये हो गया एस्टर। इसी में यानी एसिड एनहाइड्राइड और एसिड, और याद रखेंगे साथ में एसिड साथ में उसके सल्फर डेरिवेटिव्स, जैसे कि ये एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सल्फोनिक एसिड, ये सब उसके बाद में, ठीक है। यानी एसिड फिर सल्फोनिक, ये हो गया एस्टर, फिर हो जाएगा एसिड हैलाइड सी ओ एक्स, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एमाइड सी ओ एन एच टू एमाइड, इसी बाद में हो जाएगा हाइड्राजाइड, ठीक है, और एमाइड, और फिर इसके बाद में आ जाएगा नाइट्राइल सी डबल माने यानी कि एसिड साइनाइड नाइट्राइल, और फिर आ जाएगा एल्डिहाइड, और फिर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ आर यानी कीटोन। ये फंक्शन आप देख रही है, इसके और आगे बढ़ेंगे, इसके और आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा एल्कोहल, फिर आएगा एन एच टू, और फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आएगा प्रीफिक्सेज। वही कौन कौन से प्रीफिक्स हैं, जैसे कि भाई मान लो ओ आर ईथर है, ठीक है, एस आर है, ये सब उसमें आ जाएंगे सभी। यह एल्किल है, ठीक है, या हेलो है, या नाइट्रो है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ग्रुप, दे आर प्रीफिक्सेस। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये कार्बन यहाँ पर चेन है ये, तो अगर कहीं कुछ नहीं है तो हर जगह H यहाँ पर मौजूद है, हर जगह H मौजूद है, ठीक है। ये अब इन्हीं में हम H को हटा कर, जैसे एक को हटा कर लिख दिया यहाँ पर लिख दिया Cl, तो अब ये Cl फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रीफिक्स, इसका नाम होगा क्लोरो। और इस H को हटा के चलो हमने यहाँ पर लगा दिया C डबल बॉन्ड O और H, तो अब ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो पहले तो ग्रुप को पहचाना पड़ता है, कैसे पहचाने कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, और फिर उनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग, उसकी कब प्राइमरी नंबरिंग कब सेकेंडरी नंबरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें एक ही ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, वन यहाँ शुरू करेंगे, वन से, ठीक है। इसको बोलते हैं कालिया कंसेप्ट, मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है, इसको बोलते हैं कालिया कंसेप्ट। कैसे ऐसे बोलते हैं कालिया कंसेप्ट भाई, जैसे एक पिक्चर याद करो अमिताभ बच्चन का थी, वो जेल में बंद है अमिताभ बच्चन, और वहाँ कहते हैं कि शाम को अपना लेके थाली सब जाते हैं खाना लेने के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ गया उसको खाना मिलेगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ सिनेमा मारपीट हुआ और सब लाइन से कब से लगे घंटा से, जब खाना बटना चालू हुआ तो अमिताभ बच्चन लेके थाली अपना कालिया जो थे पिक्चर के हीरो लेके पहुँच गए पहले, बलेट ऑफ से क्यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर कालिया विल स्टैंड, जहाँ कालिया खड़ा हो जाएगा वहाँ से क्यू चालू हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये है कालिया, ये है अमिताभ बच्चन, नंबर यहाँ से वन वन और ये टू, अब इधर जाएंगे तो थ्री, इधर थ्री फोर, तो स्वा तो लॉन्गेस्ट रूल, तो वन टू थ्री फोर। तो IUPAC में यानी हम कालिया को पहचानेंगे, तो IUPAC के जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो हम जरा आपको बता रहे हैं, फंडामेंटल जो रूल्स हैं वो दिखा रहे हैं। पहले इसको मैं एक बार साफ कर दूँ। हाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, ये एक सिंपल यहाँ पर हम एक मालिक्यूल बना ले रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल हम मालिक्यूल बना ले रहे हैं, बहुत ध्यान दिखेगा अच्छी तरह से, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ले लिया आपने ओ एच, और यहाँ पर आपने इस साइड में, चलो इस साइड में आपने सपोज करो ले लिया है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब जरा ध्यान देखिए इसमें, सॉरी, देखिए IUPAC के फंडामेंटल जो रूल्स हैं IUPAC के, पहला रूल है प्रिफरेंस टू फंक्शनल ग्रुप, प्रिफरेंस टू फंक्शनल ग्रुप यानी पहचानेंगे कालिया कहाँ पे है, और दूसरा फिर है लॉन्गेस्ट, दूसरा फिर है लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, और तीसरा है लोवेस्ट लोकेंट सेट, लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल, इसी को पहले बोलते थे लोवेस्ट सम रूल, आजकल बदल गया आजकल। ये थ्री फंडामेंटल रूल्स हैं ये, जैसे यहाँ देखिए, तो इसमें देखिए COH एक FG है, OH दूसरा है, CHO तीसरा है, तो हियर देर आर थ्री फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड।
तो मेन कार्य कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, तो अब इसमें प्रायोरिटी लिस्ट याद करो, तो कोई एल्डिहाइड है, एसिड है, अल्कोहल, तो ये टॉप है, तो यहाँ से नंबर नहीं, नंबर नहीं, ये वन है, चलो वन, याद रखो, जहाँ भी लगा देंगे सी ओ एच वो इस नंबर चल हो जाएगा, जहाँ कालिया खड़ा हो जाएगा कालिया, वहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये वन, और अब यहाँ चलेंगे टू, और ये थ्री, ये फोर, फाइव, देखो लॉन्गेस्ट चेन, तो ये सिक्स। अब ऐसा सवाल, क्या इधर जाएंगे? नहीं, जैसे ही ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये जो सेकेंडरी हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, यानी कि ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब इसको नंबरिंग नहीं करेंगे, वो जब कोई कार्बन है ही नहीं, तो ये सिक्स हो गया। अब यहाँ है सेवन, तो इधर चलेंगे? नहीं, देखो लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी दैट व्हिच कंटेन्स मेन फंक्शनल ग्रुप, एम एफ जी, मेन फंक्शनल ग्रुप, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये सेवन, ये एट और ये नाइन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सपोज करो ये, जैसे कि ये यहाँ पर देखो, जैसे ये सपोज करो कि ये यहाँ पर वन टू, यहाँ पर वन टू, सपोज करो ये बड़ा चेन होता तो भी यही मेन उधर हमने, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब देखो साइड चेन, ये हो गया साइड चेन, तो ये वन प्राइम और टू प्राइम, और कौन सा हो गया साइड, ये भी साइड चेन, तो ये वन प्राइम, और ये भी साइड चेन हो गया, तो इसकी तो नंबरिंग करेंगे नहीं, क्योंकि ये एफ जी है, यानी कि सेकेंडरी एफ जी है, तो उसको प्रीफिक्स लिखेंगे। और अब यहाँ पर ये वन प्राइम, टू प्राइम, थ्री प्राइम, फोर प्राइम, फाइव प्राइम, ये नंबर सिस्टम है ये। और फार्मूला क्या है, प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो इसका देखिए नंबरिंग, इसके नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये आपने बना लिया मेन चेन, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये बन गया मेन, ये याद रखेंगे, ये हो गया, याद रखेंगे, ये हो गया मेन चेन, ये याद रखिएगा, ये हो गया मेन चेन, ध्यान दिखिएगा, ये हो गया मेन चेन। अब इसमें कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, तो देखिए ये फाइव पर है इथाइल, ठीक है, फाइव पर इथाइल है, और सिक्स पर ये फार्मिल, क्योंकि सेकेंडरी नाम, अगर प्राइमरी होता तो बोलते अल, सेकेंडरी तो फार्मिल, ठीक है, ये सब नेमिंग, यानी मेन नाम और उसका सेकेंडरी नाम, ये भी आपको जानना चाहिए, अभी आपको लिखवा देंगे अभी हम, ठीक, अभी देख लीजिए पहले, इसको देख लें पहले। और ये तो मेन ग्रुप है, ये ओएच कैसी नहीं है, और तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सेवन पर कितना है फाइव, सेवन पर पेंटिल हो गया, थ्री पर हाइड्रॉक्सी हो गया, तो क्या करेंगे, देखो फिर देखो वन पर देखिएगा, ये वन पर मिथाइल है, ठीक है, और पहले एक बार लिख लेंगे, थ्री पर हाइड्रॉक्सी है, यानी जो फार्मूला था, क्या फार्मूला है, प्रीफिक्स प्लस नंबर प्लस नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में अभी हम प्रीफिक्स देख रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम देख चुके, ये है ये, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, ये राइट। तो अब बगल में चल, यहाँ ब्रांच हो गई, तो ये हो गया सी, अरे भाई सी मतलब क्या, सी एस थ्री है, समझ रहे हैं ना, वैलेंसी, अगर जहाँ कार्बन की फोर से कम है वहाँ पर एच लगा देंगे, इससे यहाँ पर दिख रहा है वन वैलेंसी है, तो सी एस थ्री कर देंगे, यहाँ पर वन एच हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, इस तरह बना लेंगे, ठीक। तो वन पर हो गया मिथाइल, थ्री हाइड्रॉक्सी, और देखिए फाइव पर, तो फाइव पर हो गया इथाइल, फाइव पर हो गया इथाइल, और आगे बढ़ेंगे सिक्स पर, सिक्स पर हो गया फार्मिल। अभी आपको लिखवा देंगे हम कि क्या होता है प्राइमरी नेम, क्या होता है सेकेंडरी नेम, आपको लिखवा देंगे अभी। सिक्स हो गया फार्मिल, और क्या हो गया, और सेवन पर क्या हो गया, सेवन पर ये हो गया पेंटाइल, सेवन पेंटाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। अब इसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल सिक्वेंस में, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा, ये इथाइल ई आएगा पहले, और फिर क्या आएगा, एफ आएगा, तो ये हो गया बी, और फिर क्या आएगा, एच आएगा, तो ये हो गया सी, और फिर ये एम आएगा, तो फिर आ गया ये डी, और ये पी बाद में आएगा, तो ये हो गया ई। तो अब इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो पहले प्रीफिक्स, तो पहले प्रीफिक्स ई हो गया, ये तो यहाँ लिखेंगे फाइव इथाइल, देखिएगा ये कैपिटल चाहे ले सकते हैं, आवश्यक नहीं है, फाइव इथाइल, और ई हो गया, और फिर ये बी, और यहाँ पर हाइफन है, सिक्स फार्मिल, सिक्स फार्मिल, देखिएगा सिक्स फार्मिल हो गया बी, और सी है थ्री हाइड्रॉक्सी, तो यहाँ हो गया ये थ्री हाइड्रॉक्सी हो गया, थ्री हाइड्रॉक्सी, राइट। और डी, अब क्या हो गया, वन मिथाइल, यहाँ पर ये हो गया वन मिथाइल, ये हो गया वन मिथाइल, और क्या हो गया ई, सेवन पेंटाइल, तो ये हो गया सेवन पेंटाइल। इस तरह से आपने लिखा प्रीफिक्स। अब नंबर, नंबर देखो यहाँ तक ये नाइन है, तो नाइन के लिए होता है नोन, नंबरिंग नाइन के लिए नोन हो गया, ठीक है, नंबरिंग यहाँ नाइन के लिए नोन हो गया। और फिर क्या हो गया नेचर, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सेवन एट के बीच में है, तो नॉन ये सेवन इन,
इन में ई हटा देंगे, क्यों? क्योंकि वन पर क्या है, ओएक एसिड, तो वन लिखते हैं, अंडरस्टूड है, तो सेवन इन, और उसी के आगे जोड़ देंगे ओएक एक स्पेस और फिर ये एसिड, यानी बीच में यहाँ पर एक स्पेस है, तो सेवन इनोइक एसिड हो गया, ठीक है, सेवन इनोइक एसिड हो गया, राइट। इसको जरा एक बार ध्यान से, एक बार इसको आप और देख लीजिए, तो इस हम नेम से भी आएंगे स्ट्रक्चर पर, अभी इसको एक बार ध्यान से भी आप देख लीजिए, आप रुकिए, इसको देखिए, हम इसको क्या करेंगे, अब हम नेम से आएंगे स्ट्रक्चर पर आएंगे, फ्रॉम नेम टू स्ट्रक्चर कैसे आएंगे, अब चेक करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये जो नंबर है, ये नंबर, ये आपको नंबर दिख रहा है पर नोन, इसका मतलब होगा क्या कि हम लेंगे 9 कार्बन, तो देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे ख्याल से नीचे ज़रूर ही दिख रहा होगा, इतना मैं देखो जरा से एक मिनट, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे हाँ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक दिख जा रहा है, ऑलराइट। और नंबरिंग कर दीजिए राइट साइड से लेफ्ट, कैसे भी सामान्यतः राइट से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब शुरू कर दो, तो 5-methyl, तो 5 पर जोड़ देंगे C2H5, 6-formyl, तो 6 पर जोड़ देंगे CHO यानी फार्मिल, और 3-hydroxy, 3 पर ले लेंगे OH, और 1 पर मिथाइल, ये यहाँ पर कहाँ पर हो गया भैया, ये 1-methyl कहाँ से आ गया, अरे 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 प्लीज़, अरे भैया ये 2-methyl है रे, सॉरी, इट इज 2-methyl, 1-methyl कहाँ से जाएगा भैया, 2 है ना, ये तो 1' था बेटे, तो देखो एक चीज़ याद रखो 1-alkyl ये ब्लंडर है, और वही मैंने किया था, ठीक है, देख रहे हैं जो इतने वर्षों से वो गलती कर रहे हैं, अरे भाई 1-alkyl का मतलब क्या हो गया समझते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं ये यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3, यानी कि आप नॉन टर्मिनल कार्बन से ये गलती आप ये कर रही है, ठीक है, तो ध्यान दिखिएगा भैया यहाँ पर ये इसमें आपको ये यानी ये वन यहाँ से होगा, वहाँ यहाँ से होगा, ये गलत हो गया सिस्टम, समझ आ गया, ये तो ये है 1-alkyl ब्लंडर, ये मैंने कहा था आपको कि एक बार गलती आप ध्यान से आप पहचानिएगा पकड़िएगा, ठीक है, वो गलती आपने पकड़ लिया, 1-alkyl ब्लंडर वापस में आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये हो गया, तो यानी 1 पर नहीं तो ये 2 पर क्या होगा, ये तो फिर ये 2-methyl, तो इट इज़ ऑन 2 व्हिच इज़ हियर मिथाइल, 2-methyl हो गया, राइट। तो ये जो यहाँ पर 1-methyl ना होकर क्या हो जाएगा पर, ये इसको क्या लिखेंगे 2-methyl, अब क्या होगा 7-pentyl, तो 7 पर ये C5H11, और फिर 7-in, तो 7-8 के बीच में डबल बॉन्ड, ओएक एसिड, तो उसी 1 पर ही लगा देंगे COOH, ये इस पे अरेंज कर देंगे, रुकिए मैं जब देखूँ, अगर नीचे ना दिखाई पड़े तो इसको मैं हल्का समय फोकस करता हूँ नीचे, उससे मेरे ख्याल से दिख रहा होगा जरूरी, फिर भी एक बार नीचे इसको मैं दिखा दिया ताकि सभी को बिल्कुल फुल फ्लेज दिखाई पड़ जाए, राइट। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई पड़ गया होगा, ठीक है, ये इसको देख लिया अपने, राइट। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको बार देख लीजिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको रुको, हाँ मिटा दो, कोई बात नहीं,